वेलकम चिल्ड्रन इन एक्टिव एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास में टेम्परेचर कन्वर्शन करने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर स्टैंडर्ड 9 और 10 के लिए। ये लाइफ में हमारे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्लास 9 और 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग अब स्टैंडर्ड 9 में स्टार्टिंग कर रहे हो या जो लोग 11 में स्टार्ट कर रहे हो, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर और टेम्परेचर कन्वर्शन। टेम्परेचर क्या है? व्हाट इज टेम्परेचर? न टेम्परेचर जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। जैसे सपोज आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसका मतलब है कि आज हमारे टेम्परेचर ज़्यादा है, डिग्री ऑफ हॉटनेस ज़्यादा है। तो द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर दिस डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, दिस इज नोन एज थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या है? व्हाट इज थर्मोमीटर? थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है। तो हमारे इस हम लोग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आते हैं, कितने टाइप्स का थर्मोमीटर होते हैं? ना देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। सेल्सियस थर्मोमीटर, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट थर्मोमीटर, जिसको हम लोग डिग्री एफ से इंडिकेट करते हैं। और केल्विन थर्मोमीटर। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ थर्मोमीटर, सेल्सियस थर्मोमीटर, फारेनहाइट थर्मोमीटर एंड केल्विन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर बनता कैसे है? ना थर्मोमीटर मेड बाय ग्लास, एक ग्लास का कवर होता है जिसमें ये रेड कलर का लोग देख रहे हो, ये मरकरी लेवल होता है। तो थर्मोमीटर ग्लास का बना होता है, उसके अंदर मरकरी होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है मरकरी लेवल इंक्रीज होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है मरकरी लेवल भी डिक्रीज होता है। तो हमारे यहाँ थर्मोमीटर 3 टाइप्स का है। सेल्सियस, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सेकेंड है फारेनहाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्ड है केल्विन, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल थर्मोमीटर। इस टाइप का 3 थर्मोमीटर्स हमारे पास है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस थर्मोमीटर को इन्वेंट किसने किया था, किसने बनाया था, किसने इसका नाम दिया था। तो सेल्सियस थर्मोमीटर को, जैसे कि हम लोग जानते हैं सेल्सियस थर्मोमीटर को लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोलते हैं, और इसको बनाया था एंडर्स सेल्सियस ने। एंडर्स सेल्सियस ने इसको बनाया था। तो हु इज इन्वेंटर ऑफ सेल्सियस थर्मोमीटर? एंडर्स सेल्सियस। उसी तरह से फारेनहाइट थर्मोमीटर को बनाया था डेनियल गेब्रायल फारेनहाइट। और केल्विन थर्मोमीटर को बनाया था विलियम लॉर्ड केल्विन। तो केल्विन थर्मोमीटर का जो इन्वेंटर है उसका नाम है विलियम लॉर्ड केल्विन। विलियम लॉर्ड केल्विन में केल्विन थर्मोमीटर को बनाया था। जैसे कि आप लोग देख रहे हो देयर आर 3 टाइप ऑफ थर्मोमीटर, सेल्सियस फारेनहाइट एंड केल्विन। इसके बीच एक रिलेशन है। आप लोग देख रहे हो यहाँ हमने एक मार्क किया, दिस इज नोन एज लोअर मेनिस्कस, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब ऊपर जब आप लोग देख रहे हो दिस इज नोन एज अपर मेनिस्कस, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एयर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस एंड दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। इस तरह से ये भी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। सबका वैल्यूज जो है वो सेम है। तो 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फारेनहाइट और 373.15 केल्विन, ये जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। किसी भी फास्ट टेम्परेचर स्केल में 212 डिग्री फारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। सिमिलरली 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फारेनहाइट और 273 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है। और इसके बीच सेल्सियस थर्मोमीटर में जहाँ 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच 100 का डिवीजन है, जबकि फारेनहाइट थर्मोमीटर में 32 डिग्री और 212 डिग्री फारेनहाइट के बीच 180 का डिवीजन है। उसी तरह से केल्विन थर्मोमीटर में 273 और 373.15 केल्विन, 15 आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, तो 373 केल्विन इसके बीच 100 का डिवीजन है। तो इससे लेकर एक कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो वो कैलकुलेशन है क्या, तो देखते हैं सेल्सियस और केल्विन में फर्स्ट हम लोग रिलेशन लेते हैं। तो सेल्सियस में लोअर मेनिस्कस है 0 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हम लोग लिखेंगे सी माइनस 0 बाय 100। 100 मीन्स 100 डिवीजन, इसलिए लिखे 100 इज इक्वल टू, यहाँ लोअर मेनिस्कस है 273, तो लिखेंगे के माइनस 273 बाय 100। तो क्या हो जाएगा, 100 कैंसिल और एक फॉर्मूला आ गया सी माइनस 0, कि 0 को किसी भी नंबर से माइनस करने से वही नंबर आता है, इसलिए लिखेंगे सी इक्वल टू के माइनस 273। ये एक रिलेशन है के सेल्सियस और केल्विन में, C इक्वल टू के माइनस 273। उसी तरह से K यदि हम लोग को फाइंड करना है तो
हम लोग लिखेंगे C plus 273. ये क्या सेल्सियस और केल्विन का एक रिलेशन. सिमिलरली यदि हम लोग F और फारेनहाइट और केल्विन में यदि रिलेशन फाइंड करते हैं तो क्या लिख सकते हैं. तो चलिए देख लेते हैं. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ F का लोअर मिनिस्कस है, फारेनहाइट थर्मोमीटर का लोअर मिनिस्कस है 32 डिग्री. तो हम लोग लिखेंगे F माइनस 32 बाय टोटल डिवीजन है 180. तो लिखेंगे 180 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है केल्विन में क्या है ना, के माइनस लोअर मिनिस्कस है 273 और टोटल डिवीजन है 100. इसलिए लिखेंगे के माइनस 275 100. अब 00 कैंसिल, 00 कैंसिल एंड उसको यदि डिवाइड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 9. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग को क्या मिलता है, तो F माइनस 32 हम लोग लिख सकते हैं F माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 के माइनस 273 माइनस 273. अब इसको 32 को इस साइड में ले जाते हैं तो हम लोग को रिलेशन मिल जाएगा F इक्वल टू 9/5 के माइनस 273 प्लस 32 माइनस है वो राइट साइड में आकर प्लस बन जाएगा. ये एक रिलेशन हो गया फारेनहाइट और केल्विन में. अदरवाइज K इक्वल टू में हम लोग लिख सकते हैं तो K इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5/9 F माइनस 32 और ये माइनस 273 इस साइड में जाकर प्लस 273 हो जाएगा. तो ये भी एक रिलेशन है. बाय दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट, वी कैन स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन फारेनहाइट एंड केल्विन. चिल्ड्रन आपको जैसे हम मानते हैं कि आप लोगों को ये समझ में जरूर आ गया होगा. तो जिसको कुछ प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता दीजिए, मैं उसे दूर करने का कोशिश करूँगा. यदि इसमें कुछ और भी करेक्शन चाहिए हम तो प्लीज़ हम कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. और जिसको जो लोग समझ गए हो वो लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए. जो लोग न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए.